हेलो फ्रेंड्स, फैशनेबल क्रोचेट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुलेखा, आज मैं आपको ये मिरर कवर बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है बनने के बाद। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने पिंक कलर लिया है, ग्रीन कलर 4-ply ऊन है हमारा, 11 नंबर का क्रोशिया और 10 नंबर का क्रोशिया दोनों हमें यूज करना है। ये जो हमारी मोती है फ्रेंड्स, ये जो हमारी मोती है, ये हमारी 8 mm की मोती है। तो मोती को पिरोने के लिए हमने यहाँ पे 10 नंबर का क्रोशिया का हमें इस्तेमाल करना है। जो मोती हमने यहाँ पे लगाया है, इसके लिए हमने 10 नंबर का क्रोशिया हमने लिया है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पिंक कलर से डिजाइन हमें बनाना है मिरर कवर का। सबसे पहले हमें नोट लगानी है, फिर हमें यहाँ पे 54 चैन्स हमें बनाना है। ये हमने 54 चैन्स हमने बना लिया है। इसे हमें देख लेना है, हमें चौड़ाई हमें देख लेनी है कि हमारे मिरर की चौड़ाई कितनी है, उसके हिसाब से हमें ये चैन्स हमें बना लेनी है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे 54 चैन्स हमने बनाया, फिर हमें 2 चैन्स बनानी है प्लस 2, ये हमने बना लिया। फिर जो हमारा चौथा चैन है वहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है, 1, 2, 3, ये जो हमारा चौथे नंबर का चैन है वहाँ पे हमें डबल क्रोशिया हमें बनानी है। ये हमें मिरर की चौड़ाई हमें देख लेनी है कि हमारी चौड़ाई कितनी है, हमें चैन्स बना लेना है। चैन से फिर हमें उसे मेजरमेंट कर लेना है कि हमें कितनी चैन्स हमें बनानी है। ये हमारी चौड़ाई है मिरर की, आपकी जितनी लंबी है उतनी लंबी हमें चैन्स हमें बना लेनी है उतनी। और फिर उसके बाद फिर हमें डिजाइन शुरू करनी है। फिर हमारे यहाँ पर जितनी भी चैन्स हैं सभी में हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है। ये देखिए, इसी तरह हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी चैन्स में हमने एक एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया। ये देखिए, फिर हमें यहाँ पे 3 चैन बनाना है, फिर इसे हमें टर्न करना है। टर्न करने के बाद फिर हमारी, इसके बाद फिर हमें 9 डबल क्रोशिया हमें बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमने यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया हमने बनाया। जो हमने 3 चैन बनाया वो हमारी 10वीं डबल क्रोशिया है। टोटल हमने यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया हमने बनाया। फिर हमें यहाँ पे 8 चैन बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमने 8 चैन हमने बनाया। फिर हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 डबल क्रोशिया हमें स्कीप करनी है। जो हमारी 8वीं डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। ये हमने 8 चैन बनाया और नीचे हमने 7 डबल क्रोशिया हमने स्कीप किया। फिर जिस तरह हमने यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया हमने बनाया, उसी तरह अब हमें यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमने यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया हमने बनाया। फिर हमें 8 चैन बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमने 8 चैन बनाया। फिर हमें 7 डबल क्रोशिया हमें स्कीप करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारी 8वीं डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया हमें बनानी है।
ये देखिए, फिर हमें यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया में बनाना है। ये हमने यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया में बना लिया, फिर 8 चैन, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमें स्किप करनी है। फिर जो हमारा 8वां नंबर है उसके ऊपर फिर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर बाकी हमारे जितने भी डबल क्रोशिया हैं सबके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया में बना लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर हमें यहाँ पे 3 चैन हमें बनाना है, 1 2 3। फिर हमें इसे टर्न करना है, फिर इसी प्रोसेस से, इसी सेम प्रोसेस से हमें ये दूसरी लाइन भी हमें इसी तरह बनानी है। सभी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 8 चैन, फिर सभी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 8 चैन। इसी तरह हमें ये दूसरी लाइन भी हमें इसी तरह बनानी है सेम प्रोसेस से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरी लाइन भी हमने सेम प्रोसेस से हमने बना लिया है। फिर हमें यहाँ पे 3 चैन हमें बनाना है, 1 2 3। फिर इसे हमें टर्न करना है, फिर हमारे जितनी भी डबल क्रोशिया है सभी के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया में बनाना है। ये हमने यहाँ पे सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर हमें यहाँ पे 4 चैन, 1 2 3 4, ये हमने 4 चैन हमने बना लिया। फिर जो हमारी ये पहली है, यहाँ से हमें हुक को इस तरह हमें निकालना है, फिर इस तरह हमें से, फिर 4 चैन, ये हमने 4 चैन बनाया। फिर सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया में बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह ये हमारा डिज़ाइन बनेगा, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। फिर हमने यहाँ पे सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर हमें यहाँ पे 4 चैन, 3 4। फिर जो हमारा ये जो पहला है, यहाँ से हमें हुक को इस तरह डालना है, फिर बीचों बीच हमें हुक को डालना है, फिर इस तरह हमें इसे करना है। फिर 3 4 चैन, फिर सभी डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। इसी तरह हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट करनी है इसी प्रोसेस से। ये देखिए, इस तरह ये हमारा डिज़ाइन हमारा बनेगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर हमें यहाँ पे 3 चैन हमें बनाना है, फिर इसे हमें टर्न करना है, फिर सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया हमें बनानी है एक एक। फिर हमें 8 चैन बनाना है, फिर जिस तरह हमने दो लाइन हमने बनाया था उसी तरह फिर हमें दो लाइन हमें बनानी है, 8 चैन बनाना है। फिर हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इन सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से हमारी ये डिज़ाइन शुरू होगा फ्रेंड्स। जिस तरह हमने यहाँ पे दो लाइन हमने बनाया था, इसी तरह हमें यहाँ पे भी दो लाइन हमें बनानी है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह हमने ये दो लाइन हमने बना लिया। फिर थर्ड लाइन हमें यहाँ पे टर्न किया, 3 चैन बनाया, फिर सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया हमने बनाया। फिर हमें यहाँ पे 4 चैन बनानी है, 1 2 3 4। फिर जो हमारी पहली है उसके नीचे से हमें ये हुक को डालना है, दोनों के नीचे से हमें फिर इन्हें धागे को हमें निकालना है। फिर 4 चैन, फिर सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। दो लाइन हमें ये बिल्कुल सादी बनानी है और तीसरी लाइन में हमें इसे ज्वाइंट करना है। ये देखिए, फिर हमने यहाँ पे सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 4 चैन, फिर इन दोनों को हमें इस तरह ज्वाइंट करना है, फिर 4 चैन, फिर सभी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह हमें ये लाइन को हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है। हमें जितनी लंबी हमें इसे बनानी है उतनी लंबी हमारी, जितनी लंबी हमारी मिरर है फ्रेंड्स उस हिसाब से हमें इसे बना लेना है उतनी लंबी। एक बात का हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, मिरर जितनी हमारी लंबी है उससे हमें 4 उंगली छोटी ही हमें ये बनानी है। जो हमारा पर्दा है ये हमें 4 उंगली छोटी ही हमें बनानी है।
तो इसी प्रोसेस से हमें इसे बना लेना है फ्रेंड्स, जितनी हमें बनानी है उतनी लंबी हमें इसे बना लेना है। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि मिरर से, शीशे से हमें चार उंगली छोटी ही हमें ये बनानी है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे हमें इसे डिजाइन को हमें फिनिश करना है। फिर हमें यहाँ पे अब ग्रीन कलर हमें अब ऐड करना है। बनाने के बाद फिर हमें धागे में हमें एक चेन बना के धागे को हमें कट कर लेनी है। उसके बाद फिर हमें अब ग्रीन कलर हमें ऐड करना है। ये डिजाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें धागे में नोट लगा लेनी है ग्रीन कलर में। फिर जो हमारा कॉर्नर है यहाँ पे हमें धागे को जॉइंट करना है, तीन चैन, एक दो तीन। फिर सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है। सभी डबल क्रोशिया के हमने ऊपर डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर हमें यहाँ पे आठ चैन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, फिर सभी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। ये हमने सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमने बना लिया। फिर हमें आठ चैन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, फिर सभी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। ये हमने सभी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर तीन चैन, फिर इसे हमें टर्न करना है। फिर सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है। ये हमने सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना लिया। फिर जो हमारी ये चैन की लरियाँ हैं फ्रेंड्स, जो हमने नीचे हमने जितनी यहाँ पे जो हमने डबल क्रोशिया हमने स्किप किया है उतनी ही डबल क्रोशिया हमें इस चैन के अंदर हमें बनानी है। सात डबल क्रोशिया हमने स्किप किया था, यहाँ पे हमने सात डबल क्रोशिया हमने स्किप किया था, तो यहाँ पे हमें सात डबल क्रोशिया बनाना है। जितनी नीचे हमारी जितनी भी डबल क्रोशिया है ऊपर हमें उतनी ही डबल क्रोशिया हमें बनानी है। जितनी भी हमें डबल क्रोशिया हमने नीचे बनाया है उतनी ही डबल क्रोशिया हमें ऊपर भी बनानी है। तो हमने यहाँ पे सात डबल क्रोशिया हमें बनानी है, एक दो तीन चार पाँच छ सात। फिर जो हमारे यहाँ बीच का दस डबल क्रोशिया है सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है। फिर ये हमारा चैन है। फिर हमें यहाँ पे सात डबल क्रोशिया हमें बनानी है, एक दो तीन चार पाँच छ सात। फिर हमारे जितनी भी डबल क्रोशिया है सभी के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, जितनी हमारी जितनी डबल क्रोशिया से हमने स्टार्टिंग किया था फ्रेंड्स उतनी ही डबल क्रोशिया हमें ऊपर में भी हमें इस तरह बनानी है। फिर अगली दस लाइन हमें सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है। इसी तरह हमें सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है। इसी तरह हमें 10 लाइन हमें बनाना है। तो टोटल हमारा 12 लाइन, दो लाइन हमने बना लिया।
10 लाइन हमें और बनानी है, टोटल हमें 12 लाइन हमें बनानी है फ्रेंड्स। इसी तरह सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हमें 10 लाइन हमें बनानी है, सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया। इसी तरह हमें बाकी की 10 लाइन हमें इसी तरह बनानी है, टोटल हमें 12 लाइन हमें बनानी है, 1 2 3, बाकी हमें इसी तरह सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है। ये हमने 12 लाइन हमने बना लिया फ्रेंड्स, ये देखिए 12 लाइन हमने बना लिया है। फिर हमें यहाँ पे 7 से 8 चेन हमें बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो हमने चैन बनाया है फ्रेंड्स, ये हमें शीशे की मोटाई हमें देख लेनी है कि कितनी हमें मोटाई है, उसके हिसाब से हमें ये चैन बनाना है। फिर पीछे साइड बैक साइड हमें यहाँ पे जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है यहाँ पे हमें इसे जॉइंट कर लेना है। ये देखिए इस तरह हम इसे कवर करेंगे तो ये जो हमारा है चैन ये हमारा है। फिर यहाँ पर इसे एक चैन बना के धागे को हमें कट कर लेना है। इस तरह हमने इसे जॉइंट कर लिया। फिर इसी तरह हमें दूसरे साइड भी हमें इसे जॉइंट करना है, तो हमें धागा लेना है, फिर नोट लगानी है धागे में, फिर हमें 8 से 10 चैन बनानी है। जो हमारे कॉर्नर है यहाँ पे हमें इसे जॉइंट करना है, फिर 8 से 10 चैन हमें बनानी है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, फिर जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है वहाँ पे हमें इसे जॉइंट करना है, फिर एक चैन जॉइंट करने से पहले धागे को यहाँ पर जॉइंट करने से पहले हमें धागे में ये 8 mm की मोतियाँ हमें इसमें पिरो लेनी है फ्रेंड्स। वो हमें लंबाई के हिसाब से देखनी है कि हमें कितनी मोतियाँ पिरोनी है। फिर हमने यहाँ पे इसे जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद हमने इसे यहाँ पे जॉइंट किया। फिर जो हमारा ये अगला है, ये जो पिंक कलर का है, ग्रीन कलर से जो हमने बनाया 12 लाइन, जो हमारी ग्रीन कलर की जो हमारी पहली लाइन थी वहाँ पे हमने इसे जॉइंट किया है। फिर जो हमारा पिंक कलर है यहाँ पे हमें फिर यहाँ पे जॉइंट करना है, फिर एक चैन लूप को थोड़ा हमें लंबा करना है। फिर इसी के अंदर, इसी स्पेस के अंदर हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 4 5। ये हमने 5 डबल क्रोशिया हमने बनाया, फिर 2 चैन, फिर जो हमारा ये मोती है फिर हमें एक मोती यहाँ पे लेना है। फिर एक लाइन हमें स्कीप करनी है, फिर जो अगली लाइन है वहाँ पे हमें इसे स्लिप स्टिच करना है। हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच किया, फिर सेम प्रोसेस यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशिया हमें बनानी है, 1 2 3 4 5, फिर 2 चैन, फिर एक मोती, फिर एक लाइन स्कीप, फिर अगली लाइन में स्लिप स्टिच, फिर लूप को हमें बड़ा करना है, फिर 5 डबल क्रोशिया, तीन चार पाँच, फिर 2 चैन, फिर एक मोती ऐड करना है। इसी तरह हमें इसे, ये जो हमारा लंबाई है वहाँ तक हमें इसे, यहाँ तक हमें इसे बना लेना है। ये जो हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया है ये हमने 11 नंबर की क्रोशिया से हमने बनाया है, और जब हमें मोती पिरोनी है फ्रेंड्स तो हमें ये 10 नंबर की क्रोशिया हमें लेनी है मोती पिरोने के लिए। 11 नंबर की क्रोशिया से हमें ये जो 5 डबल क्रोशिया हमने बनाया है ये बनानी है, फिर 2 चैन हमें बनानी है, और जब हमें मोती हमें जब पिरोनी है फ्रेंड्स तो ये 10 नंबर का क्रोशिया से हमें मोती पिरोनी है। जैसे हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हमने बनाया, फिर 2 चैन, फिर
हुक को हमने लिया, पतली वाली हुक है ये हमारी 10 नंबर की क्रोशिया, ये देखिए। फिर इससे हमें मोती को पिरोना है, ये देखिए। फिर हमें मोटी वाली लेनी है, फिर हमें 11 नंबर की क्रोशिया लेनी है, फिर हमें एक लाइन स्किप करनी है, फिर अगली लाइन में हमें स्लिप स्टिच, फिर लूप को हमें बड़ा करना है, फिर पांच डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए। ये हमने यहाँ पे ये कॉर्नर हमने यहाँ पे बना लिया। फिर जो हमारा ये कॉर्नर है, ये लंबाई में हमने यहाँ पे इसे बना लिया। फिर जो हमारा ये कॉर्नर है, ये जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमें इसे स्लिप स्टिच यहाँ पे इसे करना है। फिर इसी स्पेस में फिर हमें यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हमें बनानी है, ये हमने यहाँ पे कॉर्नर पे हमने बनाया। ये हमने यहाँ पर एक जो हमारा डबल क्रोशिया यहाँ पे हमने स्किप किया, उसके बाद वाले स्पेस में हमने यहाँ पे बनाया है। फिर हमें 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया हमें स्किप करनी है, 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया के बाद जो हमारा स्पेस है वहाँ पे से हमें स्लिप स्टिच करनी है। फिर सेम प्रोसेस 4 4 डबल क्रोशिया का हमें स्किप करना है, और फिर सेम प्रोसेस से हमें बनाना है यहाँ पे भी 5 डबल क्रोशिया, फिर एक मोती, फिर 5 डबल क्रोशिया, एक मोती, इसी प्रोसेस से हमें इसे बनाना है। ये देखिए, आप चाहें तो ज़्यादा भी यहाँ पे आप गैप दे सकते हैं। इसी तरह हमें इसे, फिर हमें यहाँ पे 2 चैन, फिर एक मोती ऐड करना है, फिर हमें 4 डबल क्रोशिया स्किप करनी है। फिर उसकी अगली वाली स्पेस में जो 4 डबल क्रोशिया के बाद जो हमारा स्पेस है वहाँ पे फिर हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 चैन, फिर एक मोती। इसी तरह हमें ये 3 साइड हमें बनानी है, ये देखिए, 1 साइड 2 साइड और फिर ये तीसरी साइड, 3 साइड हमें इस तरह ये किनारा हमें बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों साइड हमने इसे बना लिया। फिर जो हमारा ये लास्ट है, यहाँ पे हमने बनाया 5 डबल क्रोशिया, फिर जो हमारा ग्रीन कलर का पहली जो लाइन है हमारी, वहाँ पे इसे हमें स्लिप स्टिच से इसे हमें ज्वाइंट करना है, फिर एक चैन, फिर धागे को हमें कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मिरर कवर, ये 3 साइड हमने बनाया, 1 2 3, ये 3 साइड हमने इसे किनारा हमने बनाया है। फिर ऊपर ये हमारी पट्टी है, इस तरह हमें इसे हैंग करना है, जो शीशा है हमारा उसे हैंग करना है, फिर इसे हमें हैंग कर लेना है। फिर ये हमारा पर्दा है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए। इसे जितना लंबा हमें बनाना है उतना लंबा इसे हमें बना लेना है, और जो हमारा ये चैन है ये हमें देख लेना है कि हमें कितनी हमारी कितनी चौड़ाई है, उसके हिसाब से हमें चैन्स बना लेनी है, और फिर ये हमें डिजाइन बनाना है, जितनी लंबी इसे हमें बनानी है उतनी लंबी इसे हमें बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस तरह आप टेबल क्लॉथ भी बना सकते हैं, पर्दा भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, टीवी कवर, फ्रिज कवर, जो चाहे आप इससे आप बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स, ये देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और घंटा घड़ी पर क्लिक जरूर करें कि हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।